पृथ्वीराज साहब से आग्रह करूंगा कि उन्होंने मुझे पहले कहा कि वो, क्योंकि उनका अधिक काम जो है वो अंग्रेजी में है, लेकिन हम जानते हैं कि वो हिंदी के इस परिदृश्य को भली भांति समझते हैं, और अंग्रेजी का अगर सफल परिदृश्य अगर हिंदी के लोगों के लिए किसी प्रकार का रास्ता खोलता है तो हम वो गुर भी उनसे सीखना जरूर चाहेंगे कि किस प्रकार पत्रकारिता में, हिंदी पत्रकारिता में जो नई तकनीक है उसको देखते हुए किस प्रकार अधिक क्षमता के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। इसी प्रश्न के साथ मैं आदरणीय देवी राव साहब को मंच सौंपता हूं। थैंक यू। जैसे बात हो रही है इंटरनेट और फेक न्यूज की, जैसे इन्होंने आपको संकेत दिया, मैं मूलतः अंग्रेजी पत्रकार, ज़्यादातर मैंने अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स और इसमें काम किया है, तो एक किस्म का मैं, क्योंकि फेक न्यूज़ की बात हो रही है, मैं फेक हिंदी पत्रकार हूँ। हिंदी पत्रकार इसीलिए ये कह सकते हैं आपकी, मैं जी न्यूज़ और स्टार न्यूज़, स्टार जब एबीपी जब स्टार था, दोनों जगह मैंने काम किया था। मुझे भाषा का थोड़ा इधर उधर, मेरी में जो गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। सब नाम नहीं, मैं थोड़ा पहले डरता था बात करने में हिंदी में पब्लिकली, जब मुझे ये पता चला, क्योंकि ग्रामर भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो फिर पता चला मुझे यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश के हिंदी बोलने वाले में अलग अलग ये ग्रामर को लेके झगड़ा रहता है, तो मैंने कहा चलो ये माफ हो जाएगी। तो जयशंकर जी ने और प्रियदर्शन जी ने आपको जो आज की जो स्थिति है जर्नलिज्म की, और दयाशंकर जी जो कहा है कि हिंदी पत्रकारिता जो है मतलब कॉम के लिए, हिंदी के लिए ज़्यादातर करते हैं, अपने लिए कम, क्योंकि ये बात सही है कि शायद हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकार एक ही काम, एक ही तरह का जो काम करते हैं उनमें शायद 50% का आधा, कभी मेरी इवन मोर, तो वो बात तो है, पर क्योंकि इन दोनों ने ये बेसिक मुद्दे सब उठा लिए, तो मैं अवसर की बात, इंटरनेट की दुनिया में हिंदी पत्रकारिता की, सिर्फ पत्रकारिता की बात हो रही है कि सारे आप लोग जर्नलिज्म स्टूडेंट हैं क्या? कितने जर्नलिज्म स्टूडेंट हैं? वेरी गुड टू सी यू। तो अवसर की जब बात करें तो दो किस्म के अवसर हैं। अवसर जो ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या अवसर है इस ये इंटरनेट की दुनिया में, और आप जैसे जो उभरते हुए जो पत्रकार हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए क्या है अवसर, उसमें मैं बात करता हूँ। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अवसर ये है कि अचानक जो एक जो मार्केट जो बहुत सीमित, जो रीच उनका जो सीमित था वो एकदम खुल गया, मतलब अगर भारत में आज 1.3 बिलियन पीपल को रीच करने का एक मौका अब है जो पहले नहीं था, क्योंकि पेपर या टीवी भी समय नहीं पहुंच पाता, अब आपके साथ चलता है आपका मोबाइल, कभी भी पढ़ लो, जहां भी पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, राइट। तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक ये बहुत बड़ा मौका है कि हर एक हिंदुस्तानी के पास वो अपना कंटेंट लेके जा सके, ये बड़ा मौका है। तो हिंदी के लिए, और ज़्यादातर मैं बताऊंगा कि लैंग्वेजेस के लिए ये बहुत बड़ा मौका इसीलिए कि अभी भी इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश सीखने वाले की संख्या बहुत कम है भारत में। तो जो अभी जो अवसर है जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो लैंग्वेजेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे जो ग्रुप है, मैं जहाँ काम करता हूँ नेटवर्क 18,
वहां पे दी बिगेस्ट न्यूज रूम इज द लैंग्वेजेस न्यूज रूम, जहां शायद मेरा इंग्लिश फर्स्ट पोस्ट का अगर 80 लोग हैं, द लैंग्वेजेस न्यूज रूम इज अबाउट 250 पीपल और मोर। तो मौका वहां पे ज्यादा है, लोग जहां वहां पे ज्यादा लगेंगे, नौकरियां वहां पे ज्यादा खुलेंगी लैंग्वेजेस में और हिंदी में। दैट इज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके लिए मगर मैं सोचता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको नौकरियां देंगे, दैट इज नॉट द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव। आपके लिए जो ये अवसर है वो आप ये मानिएगा कि जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आप में से हर एक के पास ये क्षमता है कि आप खुद अपना मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बने। दैट इज व्हाट इज डिजिटल एंड सोशल मीडिया डन फॉर यू। ठीक, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग भुवन बाम के नाम सुने हैं। भुवन बाम का नाम सुने, क्या करते हैं? कंटेंट क्रिएटर। उनका यूट्यूब फॉलोइंग कितना है? 10 मिलियन। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ न्यूज़पेपर जब बिकती होगी, कभी नहीं बिकी है, रीडरशिप होता है किसी किसी का, बहुत कम लोगों का 1 करोड़ का रीडरशिप होता है न्यूज़पेपर्स का। ये एक लड़का है जो शायद 30 साल का भी नहीं, उसके पास 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। वो किया क्या है, बस अपना वीडियो कुछ यहाँ वहाँ करता था, बस बन गया। अब लाखों रुपए लेता है, अगर कोई इवेंट करनी हो, आपको कंटेंट कुछ करना हो, तो अपने आप एक वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, जो YouTube के हिसाब से फर्स्ट पोस्ट से 100 गुना बड़ा है। एक आदमी फर्स्ट पोस्ट से 100 गुना बड़ा है। फर्स्ट पोस्ट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ये है क्षमता, ये है अवसर आप लोगों के लिए। जर्नलिज्म में ये तो हुई बाहर का कंटेंट, जर्नलिज्म में आप लोगों ने धन्या राजेंद्रन का नाम सुना है, द न्यूज मिनट का नाम सुना है। द न्यूज मिनट इज अ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय धन्या राजेंद्रन, हु वॉज टाइम्स नाउ की करस्पॉन्डेंट थी साउथ की। उसने नौकरी वोकरी छोड़ी और ये न्यूज मिनट एक वायर एजेंसी, साउथ इंडियन न्यूज के वायर एजेंसी के हिसाब से उसने स्टार्ट किया। आज साउथ इंडिया की खबर के लिए इससे ज़्यादा बेटर जो सोर्स आपके पास नहीं है, वो भी वही 30-32 साल की लड़की होगी। अब जो है कम से कम 3 राउंड फंडिंग हो गई है उसकी। तो जहाँ पे ये बात तो सही है कि लाखों में से एक धन्या राजेंद्र निकलती है, शायद 1-2 करोड़ में से भुवन बाम निकलते हैं, मगर यहाँ पे जो जितने 50-60-70 लोग आप हों, क्या पता आप में से भी एक हैं वहाँ पे। कोशिश आप लोग ये करिएगा कि अपना कंटेंट क्रिएट करें, अपना क्या कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि अब जो मौका है, हर एक आदमी बहुत कम लागत से अपना काम शुरू कर सकता है। दैट इज वन अवसर। अदर अवसर, सिर्फ मीडिया और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में मत ढूंढिएगा आप, भले ही आप जर्नलिज्म करना चाहें, करिए, 2 साल करिए, 3 साल करिए, 5 साल करिए, पर आपके लिए जो अवसर खुलेंगी वो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के बाहर खुलेंगे। क्योंकि ये जिन्होंने अभी ये जो कहा है दयाशंकर जी ने कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस डिजिटल में कोई पैसा नहीं बना रहा है, तो कब तक ये भी जो सैलरी, ये तनख्वाह जो मिल रही है, ये पता नहीं कब तक मिलेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है, राइट? तो इसीलिए आप कंटेंट में जो ट्रेनिंग लेंगे, वो कंटेंट क्रिएट करने की ट्रेनिंग है, वो कंटेंट क्रिएट करने का जो आपका स्किल है वो कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन आजकल सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना चाहता है, आपके वेबसाइट के लिए कंटेंट बनाना चाहता है, टाटा हो, बिरला हो, डावर हो, बिग ये ऑर्गेनाइजेशन एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी हैज़ टू हैव ए सोशल मीडिया प्लान
एवरीबडी हैज टू हैव अ वेबसाइट, एवरीबडी हैज टू नो हाउ टू डू डिजिटल, तो आप लोग उसमें अवसर आपका ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि सी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो फर्क वही होगा कि सीमित नौकरियां होंगी, राइट? और ज्यादातर क्या है कि एक बार न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाता है तो आदमी 10-20 साल तक सोचता नहीं कि निकल नहीं, तो आप लोग पहले से ही ये सोचे कि क्या न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ आपका एक विकल्प है? अवसर तो हर जगह है, अवसर तो एड में है, अवसर तो पीआर में है। पीआर और एड, एक्चुअली मैं ये बात बताऊं आपको कि हम फर्स्ट पोस्ट में ज्यादातर अब एक विंग हमने शुरू किया है, फर्स्ट पोस्ट स्टूडियो, जो ज्यादातर एक्चुअली एड एजेंसी का काम करता है। हमारे क्लाइंट्स के लिए हम वीडियो एड्स बनाते हैं, बट दैट्स नॉट जर्नलिस्ट, बट वी हैव क्रिएटेड दैट क्योंकि वी ऑल्सो हेल्प देम, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्टेंट क्या है, हम जानते हैं स्क्रिप्टिंग क्या है, हम जानते हैं वीडियो कैसे कटनी है और जल्दी कैसे कटती है, right? तो आप लोग मीडिया से भी और न्यूज मीडिया से भी बाहर मौका भी जरूर देखिएगा, अवसर बहुत है। थैंक यू सो मच।